गाजियाबाद पुलिस आज अलर्ट पर रहेगी क्योंकि हर शख्स नए साल का इंतजार कर रहा है और ऐसे में हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए पुलिस सड़कों पर नजर आएगी। जी हां, SPCT मनीष मिश्रा ने बताया कि सड़कों पर पुलिस इस वजह से भी नजर आएगी क्योंकि नए साल के जश्न के माहौल में कुछ हुड़दंगी माहौल खराब न करे। साथ ही जिले में धारा 144 लागू है, इसी के चलते कोई अप्रिय घटना न हो। नए साल के जश्न में कुछ लोग नशे में चूर होकर हुड़दंग मचा सकते हैं। और 16 स्थानों पर हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं पूरे शहर में, जहां पर कि जो लड़के स्टंटबाजी करते हैं या सार्वजनिक स्थान पर कोई हुड़दंगई करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए 16 टीमें हमारी अलग से बनाई गई हैं। महिला पुलिस तैनात की गई है बाजारों में, जहां भी महिला या परिवारीजन या बच्चों का आवागमन होता है, ताकि वो उनके उनके साथ कोई घटना ना हो, उसकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत मुख्य मुख्य बाजारों पे CO साहबान के नेतृत्व में अलग से टीमें बनाई गई हैं। हम लोग पूर्णतः सतर्क हैं। नए वर्ष के अवसर पर लोगों को अपना उत्सव मनाने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह की कोई हुड़दंगई या बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग सख्ती से निपटेंगे। चूंकि सार्वजनिक स्थानों पर और सड़क पर किसी भी प्रदर्शन की धारा 144 लागू होने का मना ही है, जो कि ADM साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब लोग लगे हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान भी लगे हैं, हम सब लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब बना रहे और किसी भी तरह से कोई भी अनियमितता या सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी हुड़दंगी ना होने पावे।